इस वीडियो में हम देखेंगे पाइप के बारे में, पाइप क्या होता है और सिमलेस पाइप को कैसे मैन्युफेक्चर किया जाता है और वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी हम देखेंगे और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर दीजिए सो चलिए देखते हैं वॉट इज एमलेस पाइप सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंट पाइप क्लासिफिकेशन के बारे में देखा था सो so, इसमें हमने देखा था कि पाइप दो टाइप के होते हैं एक सीमलेस पाइप होता है और एक वेल्डेड पाइप होता है सो सीमलेस पाइप का मतलब है कि विदाउट एनी वेल्डिंग ज्वाइंट जब एक पाइप को प्रोड्यूस किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं सीमलेस पाइप और वेल्डेड पाइप का मतलब है जब एक पाइप को प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग तो उसको हम बोलते हैं वेल्डेड पाइप और वेल्डिंग करने के लिए भी वेरियस वेल्डिंग प्रोसेस का यूज करते हैं जैसे कि ई आर डब्ल्यूफब्ल्यू एन एस ए डब्ल्यू और पाइप क्लासिफिकेशन के वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं सो so, आज के वीडियो में हम देखेंगे सीमलेस पाइप के बारे में सो so, पहले हम देखते हैं वॉट इज ए सीमलेस पाइप सो सीमलेस पाइप इज मेड विदाउट एनी वेल्डिंग ज्वाइंट इन इट्स क्रॉस सेक्शन यानी कि विदाउट द हेल्प ऑफ वेल्डिंग ज्वाइंट जब एक पाइप को प्रोड्यूस किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं सीमलेस पाइप सो so बेसिकली एक एकस पाइप को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक स्टील बिलेट को यूज करते हैं और स्टील बिलेट को हीट करके प्रेस करते हैं अगेंस्ट द मैंड्रल सो मैंड्रल के अगेंस्ट जब एक हॉट स्टील बिलेट को पियर्स करते हैं तो एक सिलेंडर होलो पाइप प्रोड्यूस हो जाता है तो इसी को हम बोलते हैं सिमलेस पाइप सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे एक हॉट स्टील बिलेट को पियर्स किया जा रहा है अगेंस्ट द मैंड्रल और विद द हेल्प ऑफ रोलर पाइप को जो है आगे प्रेस किया जा रहा है अगेंस्ट द मैंड्रल सो so, इसी बेसिक मेथड का यूज करके एक सीमलेस पाइप को प्रोड्यूस किया जाता है और इन जनरल ए सीमलेस पाइप इज मैन्युफैक्चर्ड इन साइजेस फ्रॉम इंच इंच टू यानी कि सीमलेस पाइप को वेरियस साइजेस में मैन्युफैक्चर किया जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम वन बाई एट इंच अप टू ट्वेंटी फोर इंच अकॉर्डिंग टू ए पी आई ए एस टी एम एंड ए एस एम ई यानि के अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल और ए यानी कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स और सीमलेस पाइप जो है जनरली मोर एक्सपेंसिव होता है टू मैन्युफैक्चर देन द वेल्डेड पाइप बट ये प्रोवाइड करते हैं हाई प्रेशर रेटिंग्स यानी कि हाई प्रेशर लाइन में भी सीमलेस पाइप को हम यूज कर सकते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट सीमलेस पाइप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में सो देर आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमलेस पाइप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पहला है मैनरल मिल प्रोसेस दूसरा है प्लग मिल प्रोसेस तीसरा है सीमलेस प्रोसेस और चौथा है एक्सट्रूशन प्रोसेस सो वन बाय वन हम डिफरेंट प्रोसेस को देखेंगे सो so, पहले देखते हैं मैनरल मिल प्रोसेस सो मैनरल मिल एक पाइप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें एक स्टील बुलेट को हीट करते हैं तो हाई टेम्परेचर इन रोटरी फर्नेस यानी कि एक रोटरी फर्नेस में एक स्टील बुलेट को हीट किया जाता है अप टू हाई टेम्परेचर और एक सिलेंड्रिकल हॉलो यानी कि मदर हॉलो इज प्रोड्यूस जमेंट तो एक सिलेंड्रिकल हॉलो यानी के मदर हॉलो प्रोड्यूस हो जाता है उसी को हम बोलते हैं सिमलेस पाइप एंड आउटसाइड डायमी ऑफ द पियर्सर इज अप्रोक्सीमेटलीट ऑफ द इन साइड डायमी ऑफ द फिनिश पाइप पाइप के, के डायमीटर को अचीव करने के लिए सिमिलर आउटसाइड डायमीटर पियर्सर यूज किया जाता है सो आगे देखते हैं मैंड्रल मिल पाइप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे वर्क करता है तो पहले स्टेप में एक सॉलिड स्टील बिलेट को हीट किया जाता है इन रोटरी फर्नेस एट हाई टेम्परेचर और नेक्स्ट स्टेप में हॉट स्टील बिलेट को पियर्स किया जाता है अगेंस्ट पियर्सर यानी कि पीएरसिंग किया जाता है और नेक्स्ट जो है मेनरल मिल के थ्रू इनसाइड एंड आउटसाइड डायमीटर को अचीव किया जाता है देन पाइप को हीट ट्रीटमेंट किया जाता है देन नेक्स्ट स्टेप जो है स्ट्रेच रिड्यूसिंग करके इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रेच को रिड्यूस किया जाता है और स्ट्रेच रिड्यूसिंग करने के बाद पाइप को कूल cool किया जाता है ऑन कूलिंग बेड और नेक्स्ट स्टेप जो है सेविंग मशीन का यूज करके पाइप को वेरियस लेंथ में कट किया जाता है और लास्टली जो है पाइप को स्ट्रेटनिंग प्रोसेस के थ्रू स्ट्रेट किया जाता है और पाइप को एंड फेसिंग किया जाता है यानी कि डिफरेंट एंड में पाइप को प्रोड्यूस किया जाता है जैसे कि प्लेन एंड बीवेल एंड थ्रेडेड एंड एक्सेट्रा और लास्टली पाइप को जो है एडी करंट इंस्पेक्शन और विजुअल एंड डायमेंशन इंस्पेक्शन करके और उसके बाद जो है पाइप को मार्किंग एंड कोटिंग करके उसको पैकिंग करके शिपिंग किया जाता है सो इस तरीके से मैंडल मिल का प्रोसेस यूज करके एक सीमलेस पाइप को मैन्युफैक्चर किया जाता है और नेक्स्ट प्रोसेस है प्लग मिल प्रोसेस और प्लग मिल प्रोसेस में भी एक सॉलिड स्टील बिलेट का यूज किया जाता है और इसको यूनिफॉर्मली हीट किया जाता है इन ए रोटरी हार्ट हीटिंग फर्नेस और इसको पियर्स किया जाता है अगेंस्ट द मैं पियर्सर यानी कि यह भी एक सिमिलर प्रोसेस है मैंडल मिल प्रोसेस जैसा ही जिसमें एक राउंड स्टील बिलेट को हीट किया जाता है फर्नेस में और उसको पियर्स किया जाता है अगेंस्ट द मैं पियर्सर और उसी पीएस्ट बिलेट को हम बोलते हैं होलो शेल और होलो शेल को रोल रिड्यूस करके आउटसाइड डायमीटर एंड वॉल थिकनेस को अचीव किया जाता है यानी कि रोलर्स का यूज करके आउटसाइड डायमीटर एंड वॉल थिकनेस को अचीव किया जाता है और रोल्ड पाइप को साइमल्टेनियसली बर्निश किया जाता है इन एंड आउटसाइड बाई ए रीलिंग मशीन यानी कि रीलिंग मशीन का यूज करके पाइप के इनसाइड डायमीटर एंड आउटसाइड डायमीटर को पॉलिश किया जाता है टू अचीव द डिजायर्ड वॉल थिकनेस और नेक्स्ट स्टेप में जो है उसी रिल्ड पाइप को साइज किया जाता है बाय यूजिंग साइजिंग मिल टू स्पेसिफिक डायमेंशन और साइजिंग मिल का यूज करके स्पेसिफाइड डायमेंशन में सीमलेस पाइप को प्रोड्यूस किया जाता है और इस स्टेप के बाद जो है एक पाइप को स्ट्रेटनर के थ्रू स्ट्रेट किया जाता है देन लास्टली पाइप को इंस्पेक्शन करके एंड मार्किंग एंड कोटिंग करके शिपिंग किया जाता है सो सोमैनसम प्लग मिल का भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देख लेते हैं फर्स्ट स्टेप में जो है हीटिंग किया जाता है सॉलिड स्टील बिलेट को नेक्स्ट उसको पियर्स किया जाता है अगेंस्ट द और नेक्स्ट स्टेप में दियर्सर ने किया जाता है और नेक्स्ट स्टेप है रोलिंग रोलिंग का यूज करके आउटसाइड डायमीटर एंड पाइप के वॉल थिकनेस को अचीव करते हैं उसके बाद जो है रीलिंग मेथड यूज करके पाइप के इनसाइड डायमीटर एंड आउटसाइड डायमीटर को पॉलिश करते हैं और अचीव करते हैं डिजायर्ड वॉल थिकनेस को उसके बाद जो है पाइप को साइजिंग किया जाता है नेक्स्ट स्टेप में पाइप को कूलिंग किया जाता है ऑन द कूलिंग बेड उसके बाद जो है पाइप को स्ट्रेटिंग किया जाता है नेक्स्ट स्टेप में या तो पाइप को हीट ट्रीटमेंट किया जाता है या फिर उसको टेस्टिंग किया जाता है टेस्टिंग का अगर मेथड यूज करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्टिंग का यूज करके पाइप को टेस्ट किया जाता है टेस्टिंग करने के बाद पाइप को वेरियस एंड्स में प्रोड्यूस किया जाता है जैसे कि बीवेल एंड प्लेन एंड एंड थ्रेडेड एंड एक्सेट्रा उसके बाद जो है पाइप को विजुअल इंस्पेक्शन एंड डायमेंशनल इंस्पेक्शन करेंगे उसके बाद जो है पाइप का वेट चेक करेंगे एंड मेजरिंग करेंगे या फिर अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करेंगे या फिर डायरेक्टली मार्किंग एंड कोटिंग करके शिपिंग करेंगे या फिर जो पाइप प्रोड्यूस हुआ है उसका हीट ट्रीटमेंट करके उसके इंटरनल स्ट्रेसेस को रिड्यूस करेंगे उसके बाद डायरेक्टली साइजिंग करेंगे या फिर स्ट्रेटनिंग करके तो पाइप को कूल करेंगे देन इसको टेस्ट करके फिर उसको शिपिंग करेंगे सो so, ये है प्लग मिल प्रोसेस के बारे में सो नेक्स्ट प्रोसेस है फोर्स्ट सिमलेस प्रोसेस सो फॉर सिमलेस पाइप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक हीटेड बिलेट को यूज किया जाता है और उसको प्लेस किया जाता है इन फॉर्जिंग डाई और जो फॉर्जिंग डाई का डायमीटर होता है वो स्लाइटली लार्जर होता है देन द फिनिश्ड पाइप और एक हाइड्रोलिक प्रेस और फोर्जिंग हैमर को यूज किया जाता है विथ मैचिंग इनसाइड डायमीटर ऑफ द पाइप और एक हाइड्रोलिक प्रेस को प्रेस किया जाता है टू क्रिएट ए सिलेंड्रिकल फोर्जिंग यानी कि एक सिलेंड्रिकल पाइप को प्रोड्यूस करने के लिए एक हाइड्रोलिक प्रेस का यूज किया जाता है और फोर्जिंग कंप्लीट होने के बाद एक पाइप को मशीन किया जाता है टू तो अचीव फाइनल डायमेंशन सो चलिए देखते हैं फॉर सिमलेस पाइप कैसे वर्क करता है सो यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं कैसे एक हीटेड बिलेट को प्लेस किया गया है फोर्जिंग डाई में जिसका डायमीटर स्लाइटली लार्जर होता है फिनिश्ड पाइप से सो जैसे ही एक हाइड्रोलिक प्रेस होता है एक सिलेंड्रिकल पाइप प्रोड्यूस हो जाता है so, इसको हम बोलते हैं फोर्ज सिलेंड्रिकल पाइप फोर्जिंग कम्प्लीट होने के बाद इसको मशीन करके फाइनल डायमेंशन को अचीव किया जाता है और जो हाइड्रोलिक प्रेस है उसको बोला जाता है मैनरल और इसको बोला जाता है हीटेड बिलेट तो इस तरीके से फॉर सिमलेस पाइप को प्रोड्यूस किया जाता है और लास्ट है एक्सट्रूशन प्रोसेस सो so, एक्सट्रूशन प्रोसेस में एक हीटेड बिलेट को प्लेस किया जाता है इनसाइड द डाई और एक हाइड्रोलिक रैम का यूज करके बिलेट को पुश किया जाता है अगेंस्ट द पियरसिंग मैनरल सो so, पियरसिंग मैनरल के अगेंस्ट जब एक बिलेट को हम पुश करते हैं सो so, जो भी मटेरियल होता है वो फ्लो करता है फ्रॉम सिलेंड्रिकल कैविटी बिटवीन डाई एंड द मैनरल सो दिस एक्शन प्रोड्यूसेस पाइप फ्रॉम द बिलेट सो so, इस एक्शन का यूज करके एक पाइप प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द बिलेट सो एक्सट्रूशन प्रोसेस का भी इमेज देख लेते हैं कैसे वर्क करता है यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉट एक्सट्रूशन एंड कोल्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस जब हम एक हीटेड बिलेट को प्लेस करेंगे इन द डाई सो ये है एक बिलेट और ये है एक डाई सो so, जब एक बिलेट को प्लेस करेंगे इन द डाई और एक हाइड्रोलिक रैम की मदद से दिस इज अ हाइड्रोलिक रैम सो हाइड्रोलिक रैम की मदद से जब हम इस बिलेट को पुश करेंगे अगेंस्ट द मैंड्रल सो दिस इज अवर मैंड्रल सो मैंड्रल के अगेंस्ट जब हम इसको पुश करेंगे सो दिस एक्शन प्रोड्यूसेस ए पाइप फ्रॉम द बिलेट सो ये है एक्सट्रूशन प्रोसेस के बारे में सो so, ये था डिटेल्ड अबाउट सीमलेस पाइप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सो आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट वेल्डेड पाइप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में सो so, बने रहिए और इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर शेयर कीजिएगा सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में